गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है अवर क्लोथ्स, यानी कि हमारे कपड़े। वी वियर क्लोथ्स टू कवर अवर सेल्फ्स, हम कपड़े पहनते हैं अपने आप को कवर करने के लिए, ढकने के लिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, कपड़े जो हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं गर्मी से, सर्दी से और बारिश से। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन एंड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, हम कपड़े पहनते हैं अलग अलग मौसम में, अलग अलग अवसरों पर हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। इन इंडिया वी वियर थ्री मेन सीजन, इंडिया में मोस्टली तीन टाइप के सीजन होते हैं, मौसम होते हैं, समर, विंटर एंड रेनी सीजन, यानी कि गर्मियां, सर्दियां और बरसात का मौसम। इन समर्स द वेदर इज वेरी हॉट, गर्मियों में जो आपका मौसम होता है वो बहुत गर्म होता है। सो वी वियर कॉटन क्लोथ्स, दे कीप अस कूल, तो हम कॉटन क्लोथ्स यानी कि सूती कपड़े पहनते हैं, वो हमारे शरीर को क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं। इन विंटर्स द वेदर इज वेरी कोल्ड, सो वी वियर वूलन क्लोथ्स, दे कीप अस वार्म, और सर्दियों के मौसम में बहुत ठंडा जो मौसम होता है बहुत ठंडा रहता है, इसलिए हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, वो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म करते हैं, यानी कि गर्म रखते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट रेन्स वी वेयर रेनकोट, और बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो हम रेनकोट का यूज करते हैं। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग वेट, जो हमें गीला होने से बचाते हैं। वी ऑल्सो वियर गम बूट्स एंड यूज अम्ब्रेला, इसी प्रकार हम बारिश से गीले होने से बचने के लिए गम बूट्स और अम्ब्रेलास, छातों का यूज भी करते हैं। स्पेशल क्लोथ्स, अब स्पेशल क्लोथ्स कौन से होते हैं, वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडे, वेडिंग्स एंड फेस्टिवल, जब बर्थडे होता है, शादियां या पार्टियाज वगैरह होती हैं, या कोई त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, तो हम थोड़ा फैंसी कपड़े पहनते हैं, जो एक स्पेशल क्लोथ्स होते हैं। यूनिफॉर्म्स, सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स एंड दे टेल अस व्हाट अबाउट वर्क दे डू, दीज स्पेशल क्लोथ्स आर कॉल्ड देयर यूनिफॉर्म, कुछ लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं जिससे पता चलता है कि वो कुछ अलग काम करते हैं, और ये स्पेशल क्लोथ उनकी यूनिफॉर्म कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि पोस्टमैन की एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है जिससे पता चलता है कि ये पोस्टमैन है, पुलिस वालों की अलग यूनिफॉर्म होती है, सोल्जर्स जो सिपाही होते हैं उनकी अलग होती है, डॉक्टर्स जो हमेशा एक व्हाइट सा कोट पहन करके रखते हैं एंड नर्सेस, तो इससे पता चलता है कि ये लोग डिफरेंट वर्क करते हैं और ये यूनिफॉर्म इनकी पहचान को हमें बताती है। तो सभी बच्चे चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।